हेलो फ्रेंड्स, आप सबका आपके अपने चैनल कुविन लेक्चर्स में एक बार फिर से स्वागत है। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आप सबके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के द्वारा कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए नवीनतम पाठ्यक्रम को जारी कर दिया गया है। उसी कड़ी में हमने विज्ञान विषय के सिलेबस की चर्चा बहुत अच्छे से कर ली थी। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो उसके लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ जाकर आप विज्ञान विषय के पाठ्यक्रम को देख सकते हैं। इस क्लास में हम आपके कक्षा 10 के गणित विषय के नवीनतम पाठ्यक्रम की चर्चा करेंगे कि गणित विषय के अंदर कौन कौन सी प्रश्नावली आपको पढ़नी है, कौन कौन सी प्रश्नावली हट चुकी है और प्रत्येक प्रश्नावली के अंदर कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं और प्रत्येक प्रश्नावली कितने अंकों की है। इन सभी बातों पर हम बहुत अच्छे से चर्चा करेंगे। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। वही आपका जो पेपर है वो 3 घंटे 15 मिनट का होगा, जिसमें आपका 80 अंकों का पेपर है और 20 अंक आपके 17 अंक के होंगे। इस तरह टोटल 100 अंकों का आपका पेपर होगा। ठीक है, सबसे पहले बढ़ते हैं इकाई एक की ओर। इकाई एक के अंतर्गत वास्तविक संख्याएं, पहली प्रश्नावली शामिल है वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। ये कितने अंकों की है? 4 अंकों की आपकी प्रश्नावली है। कितने अंकों की? 4 अंकों की। अब पढ़ना क्या है? अंक गणित की आधारभूत प्रमेय के बारे में पढ़ना है और अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण। ये 2 टॉपिक पढ़ने हैं, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय और अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण। ये 2 टॉपिक पढ़ने हैं प्रश्नवाली एक से, जो कि आपकी 4 अंकों की प्रश्नवाली है। आगे बढ़ते हैं इकाई 2 की ओर, जिसका नाम है बीज गणित। क्या नाम है? बीज गणित। अब इसमें टोटल 4 प्रश्नवाली शामिल है। कितनी? 4 प्रश्नवाली शामिल है आपकी इकाई 2 के अंदर, जिसमें पहली प्रश्नवाली है बहुपद। ठीक है, इसमें क्या पढ़ना है? बहुपद के शून्यंकों का ज्यामितीय अर्थ और किसी बहुपद के शून्यंकों और गुणांकों में संबंध। ये 2 टॉपिक पढ़ने हैं प्रश्नवाली 2 से, जो कि आपकी 4 अंकों की है। आगे बढ़ते हैं, इसमें अगली प्रश्नवाली शामिल है, वो है प्रश्नवाली 3, 2 चर वाले रेखिक समीकरण युग्म। क्या नाम है प्रश्नवाली का? 2 चर वाले रेखिक समीकरण युग्म। इसमें क्या पढ़ना है? 2 चरों में रेखिक समीकरण युग्म के बारे में पढ़ना है, रेखिक समीकरण युग्म का ग्राफीय विधि से हल पढ़ना है और रेखिक समीकरण को हल करने की बीजगणितीय विधि, जिसमें एक प्रतिस्थापन विधि और दूसरी विलोपन विधि, इनके बारे में भी हमें पढ़ना है। और ये प्रश्नवाली है आपकी 6 अंकों की प्रश्नवाली है। कितने अंकों की? 6 अंकों की। फिर अगली प्रश्नवाली है इकाई 2 में प्रश्नवाली 4, द्विघात समीकरण। क्या नाम है? द्विघात समीकरण। इसमें द्विघात समीकरण के बारे में पढ़ना है और गुणनखंडों के द्वारा द्विघात समीकरण को हल करना सीखना है और फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात करना सीखना है। ये 3 टॉपिक है। द्विघात समीकरण होता क्या है, गुणनखंड के द्वारा द्विघात समीकरण को हल कैसे करते हैं और फिर मूलों की प्रकृति कैसे ज्ञात करते हैं। ये 3 टॉपिक है और ये प्रश्नवाली है आपकी 4 अंकों की। फिर अगली प्रश्नवाली शामिल है, वो है समांतर श्रेणियां। प्रश्नवाली 5 है समांतर श्रेणी, जिसमें आपको समांतर श्रेणियों के बारे में पढ़ना है, समांतर श्रेणी का n-वां पद कैसे ज्ञात करते हैं, क्या होता है और समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग ज्ञात करने की जो विधि है, जो सूत्र है, उसके बारे में पढ़ना है। 3 टॉपिक पढ़ने हैं और प्रश्नवाली है आपकी 6 अंकों की। ये थी आपकी इकाई 2। आगे बढ़ते हैं इकाई 3 की ओर, जिसका नाम है ज्यामिति। इकाई 3 का नाम है ज्यामिति। इसमें कितनी प्रश्नवाली है? 2 प्रश्नवाली, प्रश्नवाली 6 और प्रश्नवाली 10। ये 2 प्रश्नवाली शामिल है यूनिट 3 के अंदर। बात करते हैं प्रश्नवाली 6, जिसका नाम है त्रिभुज। इसमें क्या पढ़ना है? समरूप आकृतियों के बारे में पढ़ना है, त्रिभुजों की समरूपता के बारे में पढ़ना है और त्रिभुजों की समरूपता के लिए जो कसौटियाँ हैं, जो नियम कायदे हैं, उनके बारे में पढ़ना है। ये प्रश्नवाली है आपकी 4 अंकों की। फिर प्रश्नवाली 10, वृत्त। इसमें क्या पढ़ना है? वृत्त की स्पर्श रेखा के बारे में पढ़ना है और एक बिंदु से एक वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, स्पर्श रेखाओं की रचना कैसे करते हैं, इन चीज़ों के बारे में पढ़ना है। ये प्रश्नवाली है आपकी 6 अंकों की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इकाई 4, जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, इसमें केवल 1 प्रश्नवाली है, प्रश्नवाली 7, जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। इसमें दूरी सूत्र के बारे में पढ़ना है और विभाजन सूत्र, अंत विभाजन और बाह्य विभाजन के बारे में पढ़ना है। यह प्रश्नवाली है आपकी 7 अंकों की। कितने अंकों की? 7 अंकों की। आगे बढ़ते हैं इकाई 5, जिसका नाम है त्रिकोणमिति। इसमें 2 प्रश्नवाली है, प्रश्नवाली 8 और प्रश्नवाली 9। प्रश्नवाली 8 का नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। क्या नाम है? त्रिकोणमिति का परिचय।
इसमें क्या पढ़ना है, त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में पढ़ना है, कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में पढ़ना है और त्रिकोणमितीय सर्वसमिकाओं के बारे में पढ़ना है। ये चैप्टर है आपका 8 अंकों का। फिर प्रश्नवाली 9 है, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, इसमें पढ़ना है ऊंचाई और दूरियां। ठीक है, ये प्रश्नवाली है आपकी 5 अंकों की। तो इकाई 5 के अंदर दो प्रश्नवाली है, 8 और 9। आगे बढ़ते हैं इकाई 6 जिसका नाम है क्षेत्रमिति। ठीक है, इसमें दो प्रश्नवाली है, प्रश्नवाली 11 और प्रश्नवाली 12। प्रश्नवाली 11 है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, किससे संबंधित, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, जिसमें त्रिज्याखंड और वृत्तखंड के क्षेत्रफल के बारे में आपको पढ़ना है। कितने अंकों की है, 5 अंकों की। प्रश्नवाली 12 है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बारे में, इसमें आपको ठोसों के संयोजन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और ठोसों के संयोजन का आयतन, ठीक है, ठोसों के संयोजन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आपका आयतन के बारे में पढ़ना है। और ये प्रश्नवाली है आपकी 6 अंकों की। फिर इकाई 7 जिसमें दो प्रश्नवाली है, 13 और 14। ठीक है, प्रश्नवाली 13 है सांख्यिकी, इसमें आपको आंकड़ों का माध्य, बहुलक और माध्यक, ये तीन चीज़ें पढ़नी है। ठीक है, माध्य, माध्यक और बहुलक, कितने अंकों की है, 11 अंकों की। फिर प्रश्नवाली 14 है प्रायिकता, ठीक है, प्रायिकता एक सैद्धांतिक दृष्टिकोण, ये प्रश्नवाली है आपकी 4 अंकों की। तो ये था आपका कक्षा 10 गणित विषय के बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए पाठ्यक्रम। आपको इसी पाठ्यक्रम के अनुसार आपकी बोर्ड परीक्षा की तैयारी करनी है। आपको टोटल 14 प्रश्नवाली पढ़नी है और प्रत्येक प्रश्नवाली से कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं और प्रत्येक प्रश्नवाली कितने अंकों की है, इन सभी बातों को मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया है। उम्मीद करता हूँ सभी चीज़ें आपको अच्छे समझ में आई होगी। तो क्लास देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और मेहनत पसंद आई है तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।